मैं आपको सिखा रही हूँ नानी की किचन में फिश सालन वाली। इसके लिए पहले हमने बोनलेस फिश ले ली थी, आप देख रहे होंगे इसमें टुकड़े इतने पीस मैंने कर लिए। इसके अंदर 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अदरक लहसुन मिला के इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करेंगे दोनों तरफ, हल्का सा कलर आएगा तो उसको पलटेंगे, इस तरफ कलर आ जाएगा तो पलट देंगे, दूसरी तरफ हल्का सा कलर आएगा तो पलट देंगे, तो उसको निकाल लेंगे फ्राई करके। इसमें हल्का सा कलर आएगा, चूल्हे पे इसका मसाला तैयार कर लेंगे। वाटर कर तेल डालेंगे, ये तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मेथी के दाने डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे और नींबू दो टमाटर की पूरी ग्रेवी बनाई थी वो उसमें डालेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन भूनेंगे, आधी चम्मच हल्दी, चम्मच लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर दें और 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के मसाले को भुनें जब तक कि ये घी ना छोड़ दें, तेल ना छोड़ दें। मिनट हो गए, अब ये देखें तेल इसमें आने लगा। अब इसमें 3 चम्मच दही डालेंगे 1-1 चम्मच करके और भूनते जाएंगे।
नहीं है, इसको भुनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें फिश डाल देंगे। इस स्टेज पे इसमें दो तीन हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तो अब इसमें हम मछली डाल देंगे। बहुत एहतियात से डालें नहीं तो ये टूट जाएगी। मछली बहुत नाजुक होती है, बहुत ही मज़े की मछली का सालन होता है। तो उसको रोटी से खा के देखें। इसको 5 मिनट के लिए एक साइड से ढक के पकाएंगे और फिर 5 मिनट के बाद। अब इसको 5 मिनट हो गए, अब मैं पलट रही हूँ देखिए, ताकि मसाला दूसरी साइड की भी इसके अंदर हो जाए। फिर इसको 5 मिनट रखेंगे। इस वक्त इसमें थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी डाल देंगे। थोड़ी सी मेथी जरूर डालें आप। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ें। बस ये तैयार, हमारी फिश हो गई है तैयार। इसको डिश आउट करते हैं।